सेंट्रल रेलवे मुंबई डिवीजन में बतौर पॉइंट्समैन काम करने वाले मयूर शेल के रातों रात देश के हीरो बन गए। पूरा देश उनकी बहादुरी का कायल हो गया है। एक नेत्रहीन माँ के बच्चे को मौत के मुंह से निकालने के लिए अपनी जान की बाजी लगाने वाले मयूर का वीडियो सोशल मीडिया पर करोड़ों बार देखा जा चुका है। कई लोग बार बार उनके वीडियो को रिवाइंड करके देख रहे हैं और उनकी दिलेरी को सलाम कर रहे हैं, और ऐसा करने वालों में आम ही नहीं बेहद खास लोग भी शामिल हैं। जी हाँ, बड़े बड़े उद्योगपति भी मयूर के साहस की तारीफ करते नहीं थक रहे। कई लोगों ने तो मयूर को इनाम देने का भी ऐलान कर दिया है। महिंद्रा ग्रुप के चेयरमैन आनंद महिंद्रा, जावा मोटरसाइकिल्स के डायरेक्टर अनुपम थरेजा और अडानी ग्रुप के चेयरमैन गौतम अडानी भी उनके फैन हो गए हैं। क्लासिक लेजेंड्स के हेड अनुपम थरेजा ने ऐलान किया कि वो जावा हीरोज इनिशिएटिव के तहत शिल्के को नई जावा मोटरसाइकिल इनाम के तौर पर देंगे। उन्होंने ट्विटर पर लिखा, पॉइंट्समैन मयूर शेलके के साहस ने जावा मोटरसाइकिल परिवार को उनके प्रति आदर भाव से भर दिया है। उनके अनुकरणीय शौर्य के आगे हम नतमस्तक हैं। ये वास्तव में लेजेंड्स वाला साहस है। हम इन बहादुर सज्जन को जावा हीरोज इनिशिएटिव के तहत एक जावा मोटरसाइकिल से सम्मानित करना चाहेंगे। आपको बता दें कि मयूर को जावा की जो भी मोटरसाइकिल दी जाएगी उसकी कीमत कम से कम 1.5 लाख रुपए होगी। और तलब है कि जावा मोटरसाइकिल महिंद्रा ग्रुप के स्वामित्व वाला ही एक ब्रांड है। ऐसे में अनुपम थरेजा की घोषणा के बाद महिंद्रा ग्रुप के चेयरमैन आनंद महिंद्रा ने भी मयूर शेलके की जमकर तारीफ की। महिंद्रा तो वैसे भी बहादुरी के कारनामे करने वालों की अक्सर सोशल मीडिया पर तारीफ करते रहते हैं। उन्होंने अनुपम थरेजा के ट्वीट को ही कोट करते हुए लिखा, मयूर शेलके के पास पोशाक या टोपी नहीं थी, लेकिन उन्होंने सुपर हीरो की तुलना में अधिक साहस दिखाया। जावा परिवार की तरफ से हम सभी उन्हें सलाम करते हैं। मुश्किल समय में मयूर ने हमें दिखाया कि हमें बस अपने आसपास के लोगों को देखना होगा जो हमें एक बेहतर दुनिया की राह दिखाते हैं। वहीं रेलवे ने भी अपने इस बहादुर कर्मचारी की दिल खोलकर तारीफ करते हुए उन्हें 50,000 रुपए का इनाम देने का ऐलान किया। रेलवे के अलावा एशियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसपोर्ट डेवलपमेंट ने भी मयूर को 50,000 रुपए का इनाम देने की घोषणा की है। वहीं अडानी ग्रुप के चेयरमैन गौतम अडानी ने तो 19 अप्रैल को ही मयूर की तारीफ करते हुए ट्वीट किया था। उन्होंने लिखा था, मैं मयूर शेलके की निस्वार्थ और अनुकरणीय वीरता को सलाम करता हूँ। रेलवे के इस पॉइंट्समैन ने अपनी जान जोखिम में डालते हुए एक बच्चे की जान बचाई जो वांगणी रेलवे स्टेशन के ट्रैक पर गिर गया था। मयूर, आपकी बहादुरी हम सभी को प्रेरित करती है। लेकिन इन तमाम तारीफों और इनामों से इतर मयूर को सबसे बड़ा आशीर्वाद उस नेत्रहीन माँ ने दिया जिसके बच्चे की जान मयूर ने बचाई थी। बच्चे की माँ संगीता शीर्षत ने कहा कि मयूर ने जो बहादुरी दिखाई है उसके लिए उनका जितना भी धन्यवाद दिया जाए वो कम होगा। उनका एहसान कभी भूल नहीं पाएंगी।